सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी 4 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची हैं। दौरे के दूसरे दिन नगर पंचायत प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने वो लम्बुआ पहुंची थी, जहां मेनका गांधी ने माफिया अतीक और मुख्तार पर हुई कार्यवाही के सवाल पर सुल्तानपुर के भद्र बंधुओं का नाम लिए बगैर तंज कस डाला। सांसद ने कहा कि कभी ये भी पूर्वांचल का एक हिस्सा था, यहाँ भी एक माफिया होता था जिसकी इस वक्त कमर टूटी हुई है। मेनका गांधी ने आगे कहा कि आम आदमी सराफत से जीना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई किसी से डरे, किसी की वजह से अपना दरवाजा बंद रखें। वहीं सांसद ने कहा कि हम सुल्तानपुर व नगर पंचायतों को ऐसा चमकाना चाहते हैं कि जब हम यहाँ से अयोध्या जाएं तो कहें ये शहर व नगर पंचायत अयोध्या से भी सुंदर है। उन्होंने ये भी कहा कि हर माँ चाहती है कि उसका घर साफ सुथरा व सौंदर्य भरा हो, जिसके लिए मतदाताओं को भाजपा प्रत्याशियों को जिताना जरूरी है। कि अगर चेयरमैन हमारे हो जाए और सभासद हो जाए तो हमारे लिए एक रास्ता बनता है कि उस शहर के लिए, नगर के लिए हम कुछ काम करें। हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं हर नगर के लिए। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा नगर बन जाए कि जो जब लोग यहाँ से अयोध्या जाएं तो बोले कि यहाँ ये तो अयोध्या से भी सुंदर। हम चाहते हैं कि यहाँ के मंदिर चमके, यहाँ के सड़कें चमके। मैं बहुत सारी चीज़ें चाहती हूँ। कौन नहीं चाहता, कौन माँ नहीं चाहता है कि उसका घर सबसे सुंदर। लेकिन उसको करने के लिए हमको 4-5 चाबियों की ज़रूरत है और एक चाबी है चेयरमैन की। इसीलिए हमने अच्छे अच्छे चेयरमैन खड़े किए हैं जो मेहनती हैं और ईमानदार हैं, और हमारी यही कोशिश होगी कि वो जीत करके शहर या नगरों को सुंदर बना दें। अच्छी बात है, अच्छी बात है। माफिया ये भी पूर्वांचल का एक हिस्सा है, यहाँ भी एक माफिया होता था जिसके इस वक्त कमर टूटी हुई है। लेकिन माफिया को निकालना, क्योंकि आम आदमी शराफत से जीना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि कोई किसी से डरे, किसी की वजह से अपना दरवाज़ा बंद रखे। वो जातिवाद लड़ाई नहीं चाहता है और ये सब चीज़ें हमको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए अगर हम तरक्की चाहते हैं तो। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।